आइए आज बद्रीनाथ धाम को दिन में देखते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं। यहाँ हर तरफ वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बद्रीनाथ को नया रूप देने के लिए, तो आने वाले समय में सब बदल जाएगा। खैर आइए आपको बद्रीनाथ की कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि श्री विष्णु की इस भूमि में यानी कि बद्रीनाथ में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था। शिव यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे। लेकिन एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए स्थान की खोज में थे तो उन्हें यह स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर वह मोहित हो गए, लेकिन वह जानते थे कि यह तो उनके आराध्य का निवास स्थान है, ऐसे में वह उस जगह पर कैसे निवास करते। तभी प्रभु के मन में लीला का विचार आया और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माँ पार्वती की नजर उन पर पड़ी तो वह बालक को चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह तो चुप ही नहीं हो रहा था। इसके बाद माता उसे लेकर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगी, भोलेनाथ समझ गए कि यह तो श्री हरि हैं। उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ें, वह अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन माँ नहीं मानी और उसे सुलाने के लिए भीतर लेकर चली गईं। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर आ गईं। इसके बाद शुरू हुई विष्णु की एक और लीला। उन्होंने भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया और जब भोलेनाथ लौटे तो भगवान विष्णु ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, अब आप यहां से केदारनाथ जाएं, मैं इसी स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिवाभूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ कहलाई और भोले केदारनाथ में निवास करने लगे। मान्यता है कि एक बार देवी लक्ष्मी श्रीहरि से रूप कर अपने मायके चली गईं। इसके बाद उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने तप करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई और वह भगवान को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंची जहां वह तप में लीन थे। उन्होंने देखा कि श्री विष्णु तो बेर के पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ का नाम दिया। इसके बाद विष्णु धाम बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। जय बद्री विशाल। कहते हैं।